कोरोना संक्रमण के कारण कई महीनों से बंद पड़े हरियाणा के स्कूल खुलने के बाद अभी तक 63% बच्चे सरकारी और निजी स्कूलों में 68% बच्चे आने लगे हैं। ये जानकारी मीडिया से रूबरू होते हुए शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने दी। उन्होंने बताया कि पहली और दूसरी क्लास के 40% विद्यार्थी और बोर्ड की कक्षाओं के 72% विद्यार्थी स्कूलों में आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल में आने वाले सभी बच्चों के टेम्परेचर को चेक करने के बाद ही स्कूल में प्रवेश दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुल 2154 बच्चों के टेम्परेचर ज्यादा आए हैं और उन बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया गया है और उन बच्चों को वापस घर भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में कोविड के निर्धारित नियमों का सही से पालन किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में क्लास 4 के 6822 रिक्त पद हैं। उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए स्कूलों में पार्ट टाइम कार्यरत चौकीदारों को फुल टाइम के लिए रखा जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पदों पर भी जल्द ही भर्ती की जाएंगी और इस भर्ती के लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को लिखकर भेज दिया गया है। जहां तक जेबीटी है वो तो हमारे पास पूरा है, टीजीटी हमारे पास कुछ कम है और पीजीटी हमारे पास कुछ कम है, तो उनके बारे में पीजीटी की तो हमने सारी जो है जो एचपीएससी है उसको लिख के भेज दिया। पीजीटी संस्कृत है 626 जो पद हैं और इंग्लिश के जो हैं 1035 पद थे, जो भर्ती हमने तो थी वो रद्द की थी, उसको ड्रॉ कर लिया और हम दोबारा भर्ती कर रहे हैं और उम्र की रिलैक्सेशन उनको दे रहे हैं, जिन लोगों ने उस टाइम अप्लाई किया था उनको रिलैक्सेशन दे रहे हैं। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भाई स्कूल खुलने का जो था हमारा, तो उसमें हमारे जो पहली और दूसरी के बच्चे हैं वो 44% बच्चे इस टाइम हमारे पास आ रहे, और जो हमारी बोर्ड की क्लासें हैं 10वीं 12वीं उसमें 72% बच्चे हमारे पास आ रहे। टोटल हमारे पास अगर देखो औसत लगाओ तो 63% बच्चे आज की तारीख में हमारे पास स्कूल में सरकारी स्कूल में आ रहे, और जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें 68% बच्चे आज की तारीख में स्कूल में आ रहे। कुछ स्कूलों में जिस प्रकार से हमने पहले से उसका टेम्परेचर हम चेक कर रहे हैं, अगर कहीं इस प्रकार की कुछ घटनाएं आपके सामने भी आई होंगी कि कुछ बच्चों का टेम्परेचर कुछ ज़्यादा था, लेकिन वो बच्चे स्कूल में अंदर नहीं जाने दिए, हमने बाहर से ही बच्चे चेक किए और बाहर से ही बच्चों को हमने भेज दिया। 2154 बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक ऐसा है जिनका टेम्परेचर बढ़ा था। टेम्परेचर वैसे ही बढ़ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि 100% कोरोना ही होगा, वो टेम्परेचर वैसे भी ज़्यादा हो सकता है कुछ बच्चों का, तो हमने उसकी जानकारी भी दे दी, सीएमओ को भी जानकारी दे दी और बच्चों को वापस हमने भेज दिया। तो पूरी चौकसाई जिस प्रकार से करनी चाहिए वो सारी की सारी चौकसाई हम पूरा उस पर ध्यान दे रहे हम। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6,00,000 रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।